घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने का फैसला किया है, यानी फेंसिंग का फैसला किया है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए राशि को आवंटित किया है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए 30 किलोमीटर क्षेत्र में फेंसिंग करने का काम जो है वो पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि भारत म्यांमार सीमा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। मणिपुर में घुसपैठ रोकने के लिए सीआरपीएफ की 2 बटालियन को भी स्थायी तौर पर लगाया गया है, जबकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 20,000 जवानों की तैनाती की गई है। भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले से समझा जा सकता है कि घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार किस तरीके से सख्त है। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां भारत और म्यांमार की सीमा पर फेंसिंग की घोषणा जो है कर दी गई है और 30 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का काम जो है वो पूरा भी हो चुका है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री